मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम प्रियंका फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा है अभी। वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। हमने सिर्फ वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा है पार्ट नंबर 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। हमने इसमें ये इसके उचित बॉक्स में दिए गए शब्दों के उनके उचित स्वर के सामने लिखी, वर्ण के प्रकार, ये हो गया था हमारा। आज हम करेंगे स्वरों की मात्राएं। तो देखिए बच्चों, अपनी बुक्स को खोल लीजिए और अपने ध्यान से पढ़िए। देखिए, स्वर, प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों, हमारे स्वर जो है वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देखिए, स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, पर जो मात्राएं हैं ये 10 होती हैं। वो कैसे होती हैं? देखिए, मैंने आपको ये स्वर दिए थे, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, आओ। देखिए अभी हमारे कितने हैं? 11 है ये टोटल। अब जो हमारा ये अ है, इसकी मात्रा नहीं होती, तो ये हमारी जो ये मात्राएं हैं, जिन स्वरों की मात्राएं, वो सिर्फ 10 होती हैं। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। मात्राओं को दी गई तालिका से स्पष्ट समझ सकते हैं, देखिए, स्वर तथा उनकी मात्राएं। अब हमारे यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं दी हुई हैं। देखिए, स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ और ये शब्द। देखिए किस तरह से अ दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर यही बताया कि अ की मात्रा नहीं होती। अब यहाँ देखिए, क, क के पैर में हलंत है, मीन्स ये आधा क है, प्लस अ, तो क्या बन गया ये मात्रा के साथ। ये अभी क्या है, ये क व्यंजन, जिस व्यंजन में अ होता है वो मात्रा के साथ होता है। आगे शब्द देखिए, कमल, तो ये क्या है, मात्रा के साथ है, मींस इस व्यंजन में अ की आवाज आ रही है। अब देखिए आ, आ की मात्रा क, आ, का, काला, ई, क, ई, की। ये देखिए, ये अलंत जो है ये आधा क है, जब मैंने ई, यहाँ ये मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर कि, ये स्वर के साथ है व्यंजन की, और इसकी ये मात्रा लगी है ई की, तो ये क्या बन गया बच्चों, की। अब देखिए आगे आ जाइए, ई, क, ई, की, कील। ऊ की मात्रा देखिए, आप बच्चों को पहचान होगी, मात्राओं के तो सबको पता होगा, बच्चे अच्छे से पहचानते होंगे आप। क, उ, कु, कुल, ऊ, क, ऊ, कु, कूलर, रि, क, रि, क्रि, कृपा, ए, क, ए, के, केला, ए, आई, क, आई, कै, कैमरा, ओ, क, ओ, को, कोमल, आओ, क, आओ, काऊ। अब देखिए काऊ, आ, कौवा। अब देखिए आगे, स्वर जब शब्दों के प्रारंभ में आते हैं तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में न करके इनके मूल रूप में किया जाता है। अब मूल रूप क्या होता है बच्चों, जो उनका सही रूप, मतलब जो वो खुद हैं, उनका जो खुद अपने आप से वो मूल रूप बनता है। देखिए अ है, अब ये अ का मूल रूप है, मतलब ये खुद ही यहाँ पर है,
अनानास, अमन। अब आ, आ से अब देखिए ये आ एक खुद ही मात्रा है। देखिए आ म, आम, आटा। ई, इडली, इमारत। ई, ईद, ईद। उ, उल्लू, उजाला। ये इनका मूल रूप है। यहाँ पर हमने जो ये स्वरों की मात्राएं हैं, ये मात्राएं नहीं है, ये उनका मूल रूप है। जो उनका वास्तविक रूप है वो ये है, उनसे शब्द बने हुए हैं। ऊ, ऊपर। ऊन, री, ऋषि, ऋषभ। ए, एड़ी, एक। आई, एनक, ऐसा। औ, ओखली, ओस, औरत। औ, औरत, औषधि। देखिए अब कैसे स्वरों का मूल रूप आपको समझाया है, और देखिए अपने मूल रूप में इन्होंने अपने शब्द लिखे हुए हैं। अब देखिए विशेष अ, स्वर की मात्रा नहीं होती। ऊ और ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि उसके पेट में लगती है। अभी कभी आपने बच्चों देखा होगा, देखिए र जब र लिखते हैं, जैसे र रुमाल, तो देखिए अभी इसके पेट में लगी हुई है, क्या यहाँ लगी हुई है? नहीं, ये गलत होती है। तो जो ऊ की मात्रा है यहाँ लगी होती है, रुमाल। अब देखिए हमने यहाँ लिखना है रूप, ये आ गया रूप, तो क्या बन गया ये रूप। तो हमारी ये जो मात्रा है किसमें लगी है? ल के पेट में लगी है, तो ये रूप, रूप। अब मैंने रूमाल, ये मैंने रूमाल लिखा है, देखिए ये है ऊ, ये है ऊ, रूमाल। अब देखिए ये रुमाल, रुमाल, ये है रूपक, रूप। ये हमारे जो र है, र में जो ऊ और ऊ की मात्रा है ये उनके पेट में लगती है। अब देखिए बच्चों आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है हमारे स्वर है, ये हमारी जो 10 मात्राएं हैं स्वरों की, इन मात्राओं को ही आपने करना है अच्छे से, और अपनी नोटबुक पर आपने अच्छे से ये राइट करने हैं। और जो स्वर से हमारे मूल रूप बने हैं, देखिए ये जो हमारी आपने इसकी ये बना लेनी है स्वर तथा उनकी मात्राएं। अब आगे देखिए ये यहाँ तक आपने कंप्लीट इसकी जो है ये बॉक्स पूरा अच्छे से बनाकर आपने अच्छे से राइट करनी है मात्राएं, और नेक्स्ट स्वर और मूल रूप, और इनके ये आपने स्वर भी लिखने और इनके मूल रूप भी लिखने हैं। चाहे वो एक एक शब्द लिख लीजिए, दो ना लिखे तो भी कोई जरूरी नहीं है, एक एक शब्द लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे स्टूडेंट, तो व्यंजन जो है नंबर 2 ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।